चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को एक बामकसद जिंदगी गुजार करें, लाजिम है कि हम दीन को सीखें, इस्लाम को सीखें। इस्लाम को सीखे बगैर हमें सही रास्ता समझ में नहीं आएगा, सही हदफ समझ में नहीं आएगा। लिहाजा मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, फरमाया कि देखो रहम अल्लाह इमरान, खुदा रहम करे उस बंदे पर जो ये पहचाने कि मिन आईना कहाँ से आया है, फी आईना कहाँ है, इला आईना कहाँ जाना है। जो इंसान इसको समझ जाए कि कहाँ से आया है, कहाँ पे है और कहाँ जाना है, ये अगर समझ जाए तो कहते हैं खुदा उस शख्स पर रहमत नाजिल करेगा। यानी खुदा हकीकत में वो इंसान इंसान बनेगा जब उसे इस चीज को समझ जाएगा। हम और आपको यही है, कहाँ से आए हैं भाई, कहाँ से आए हम लोग, खुदा की तरफ से है ना। कहाँ है, अभी दुनिया में है। कहाँ जाना है, खुदा की तरफ यानी आखिरत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अहसन। अब हम आए हैं इसमें तो हमारा कोई इख्तियार नहीं था, हम आए पैदा हुए दुनिया में आए। हाँ, अब ये दुनिया की जिंदगी है जो हम दुनिया में हैं। इस दुनिया की जिंदगी को अगर हमने इस्लाम के मुताबिक गुजारा तो हमारी आखिरत भी क्या होगी, इस्लाम के मुताबिक होगी, हमें आखिरत में जजा और सजा के तौर पर हमें मिलेगा। लिहाजा हम और आपसे कहा गया आप ये दुनिया की जिंदगी है, तुम ये दुनिया क्या है, दुनिया मजरातुल आखरा है, दुनिया में जो खेती की तरह है जिसमें तुम जो कुछ बोओगे वही तुम काटोगे। हाँ, अच्छाई के नतीजा अच्छा, बुराई के नतीजा तुझे बुराई मिलने वाला। इसलिए हम और आपको कहा अगर दुनिया में तुमने ऐसी जिंदगी की तो तुम अबदी जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में अगर ऐसी जिंदगी की तुम अबदी जिंदगी सख्तियों के और आजाब में गुजारोगे। लिहाजा हमारे यहाँ फना नहीं है। अब और हम ये ना सोचे कि एक आदमी मर गया या हमारे वालिदैन दोज हवा में स्कूल से इंतकाल कर गए तो फना हो गए, नाबूद हो गए, खत्म हो गए, नहीं, वह हमेशा है, वह हमेशा की जिंदगी के लिए चले गए। हम और आपकी मादी दुनिया छोड़ के गए, हम और आपको भी तो जाना, उनके बाद हमें जाना। क्यों, हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा को खुशी हुई जब पैगंबर ने फरमाया जहरा मेरे बाद अव्वली नफर आप होंगे जो आप मुझसे मुंसलिक होंगे, तो खुशी हुई। क्यों, क्योंकि हम इस दुनिया में तो रहने के लिए आए नहीं है, जाना एक न एक दिन हर इंसान को जाना है, लेकिन अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए। लिहाजा हम और आपको क्या कहा कि जो जन्नत में जाएगा खालिदीन फीहा, अस्हाबुल जन्ना जो भी होंगे वो खालिदीन हमेशा जन्नत में रहेंगे, से उनको मौत नहीं आएगी, उनको फिर फना नहीं, उनको बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, सब जन्नत में रहेंगे। जो जहन्नम में जाएगा खालिदीन फीहा वो भी हमेशा रहेगा, फना कुछ नहीं है इस दुनिया के बाद। ये दुनिया की पीरियड्स है, ये तो हम और आपके एक इवोल्यूशन है कि जो हम माँ बाप माँ के पेट हमारी बड़ी दुनिया थी वो हम छोड़ के दुनिया में आए, अब दुनिया को छोड़ के हम आखिरत की तरफ जाएंगे, वो आखिरत की दुनिया हमारे हमेशा रहने वाली है, वहां पे मौत।